हम भी उपस्थित हो पाते हैं। और जैसे आज सुन के मुझे बहुत सारी चीज़ें आई ज्ञान में, अंदर में कुछ चीज़ रिवाइज हुई है, कुछ चीज़ें मुझे नए सोचने के लिए विवश। हमारी सेवा कार्य पोस्टिंग महाराष्ट्र में भी थी, औरंगाबाद में और नागपुर में भी, तो वहाँ तो बहुत प्रचलन है। और गणेशोत्सव जब बाल गंगाधर तिलक ने उत्सव के रूप में इसको विस्तारित किया था, गणेश उत्सव पूरे देश में किस तरह से मनाया जाए उसका बहुत योगदान रहा। उसके साथ साथ हम जब पुरातत्व के क्षेत्र में कई चीज़ें, कई मूर्तियाँ, कई ऐसे शिल्प भी देखे जैसे चर्चा कर रहे थे। जैसे मैं एलोरा की बात करूँ तो 10 नंबर गुफा विश्वकर्मा गुफा नाम है, लेकिन है बुद्धिस्ट की। उसमें जब पलट के देखो तो वहाँ भी गणेश बने, सामने से नहीं दिखते, वो तो सामने बुद्ध बैठे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब हम लोग चर्चा कर रहे थे बोले यहाँ भी गणेश है, एक हमें बताया एक अटेंडेंट साहब के, सर आप ढूंढिए यहाँ पे भी गणेश है। तब मैं ढूंढा और मैं ढूंढ ही पाया कि हाँ ये, मुझे लगा कहीं अलग होंगे, लेकिन उस ललाट पिंड जिसको कहते हैं मतलब उल्टे क्रम में लगा वहाँ बना हुआ। ऐसा कई एक क्वेश्चन भी सवाल पूछते हैं वहाँ पे, जैसे पाणिग्रह संस्कार में शिव पार्वती विवाह में ब्रह्मा जी हैं और गणेश भी हैं, पुत्र कैसे पहले आ गए। हाँ, तो वो भी उस समय हमें कुतूहल लगता था कि आज कोई सवाल करता था, स्टूडेंट को पढ़ाते थे या दिखाते थे, तो ऐसी प्रसंग आए अत्रे जी उसमें चाहे तो उसमें प्रकाश डालेंगे। और कई अवसर मुझे, चाहे नेशनल म्यूजियम में रहा हूँ तब वहाँ भी अवसर मिले, अभी बहुत सारी मूर्तियाँ हर म्यूजियम में मूर्तियाँ गणेश की हैं, और उत्खनन में भी छोटे बड़े गणेश कई तरह से मिले, तो उसकी व्याख्या हम लोग समय समय पर करते रहते हैं। कई थीसिस भी, कई सागर में था तो एक मिथिलेश तिवारी ने भी एक गणेश के विकास, गणपति विकास पे एक थीसिस की, और भी कई लोगों ने काम किया, केडी वाजपेयी ने उस कई लोगों को काम दिया था। और वो यहाँ से कोई यादव है उन्होंने किया। हाँ, और एक लड़की मलेशिया से आई थी उसने वर्क किया बिल्कुल गणेश में, देश विदेश में गणेश का इस तरह से हमें मतलब देखने को मिलता है। और रिसर्च की अपार संभावनाएं, तो हमारे जो स्टूडेंट संपर्क में आते हैं तो उनको ये विषय देना चाहिए और गणेश की परंपरा को हम लोग आत्मसात करते रहें, और हमेशा विघ्नकर्ता के रूप में हर चीज़ आसानी से हो जाती है। बस ये मतलब हम लोग को अवसर मिलता है कि कहीं ना कहीं हमें हर काम बिना बाधाओं के हो जाए, तो ऐसे देवताओं को हम हमेशा नमन करते हैं। और इस आर्थ चतुर्थी के मौके पर ये प्रदर्शनी आप लोगों ने लगाई, हमें भी उसका सुखद आनंद हो रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में पाकर।